परोहा कक्षा 10वीं जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, मुझे आशा है कि आप मेरे बनाए वीडियोस को देख रहे होंगे और उनको अच्छे से समझ के अपनी नोटबुक में नोट कर रहे होंगे। जैसा कि हम पढ़ते रहे हैं आज तक, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एप्लीकेशन राइटिंग। तो चलिए पढ़ते हैं एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में। वो आपकी आती है आपके सिलेबस में पार्ट बी जो है, पार्ट ए था अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, तो ये है आपका पार्ट बी आपके सिलेबस के हिसाब से राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन क्या होता है? इसमें आपकी जो लेखन कला है उसको परखा जाता है कि आप कितना अच्छा उस भाषा को अपनी लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन राइटिंग सेक्शन है वो भी एक प्रकार के लेटर राइटिंग के इसमें आता है। अब जो लेटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप सब पहले भी इनको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। फर्स्ट है इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं आपके, वो अनौपचारिक पत्र है, वो इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो कार्यालयीन पत्र, व्यवसायिक पत्र, इन सब के अंतर्गत आते हैं। और जो एप्लीकेशन जो है वो भी इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आती है। एप्लीकेशन हम किसी डिमांड को या उनसे कोई मांग करते हैं ऑफिशियल तरीके से, तब उसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आगे की एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशन राइटिंग के अंतर्गत पहली अपनी एप्लीकेशन, तो बच्चों एग्जाम में या तो आपको सीधा सीधा दिया रहता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग 4 डेज लीव, ऐसा दिया रहता है, या फिर कैसा रहता है कि आपको एड्रेस दिया जाता है कि आप क्या नाम है आपका, आप कौन सी क्लास में हो, और आपको उस चीज के बारे में लिखना है। तो देखते हैं अपन क्या दिया है अपने को, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। यू आर रिया तिवारी स्टडिंग इन क्लास 12th, 10th भी हो सकता है, ये वेरी कर सकती है क्लास, इन गवर्नमेंट हायर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 4 डेज लीव एज यू आर सिक। अब आप बीमार हैं और आपको 4 दिन की छुट्टी का प्रार्थना पत्र भेजना है, तो आप क्या करेंगे? तो ये जो सेक्शन में आता है बेटा, तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहां से लिख रहे हैं वहां से हम अपना एड्रेस देते हैं। क्या देते हैं? एड्रेस देते हैं। तो हमने लिखा, हमने अपना एड्रेस लिख दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर एड्रेस भी दिया होता तो आप उसका एड्रेस लिखते जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमने यहाँ एड्रेस लिखा 30/10 विजयनगर जबलपुर, अर्थात ये जो प्रार्थना पत्र है या जो एप्लीकेशन है वो कहाँ से आया है, 30/10 विजयनगर जबलपुर। अब इसके बाद हम किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको संबोधित करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि प्रिंसिपल की सही स्पेलिंग PRINCIPAL अर्थात प्राचार्य। अब हम यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देंगे, हमारे स्कूल का नाम यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, एज इट इज हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद हम जब प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो ये बताना जरूरी होता है कि विषय क्या है हमारी प्रार्थना पत्र लिखने का या एप्लीकेशन लिखने का। तो हम डालेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव लिख रहे हैं, तो हमने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर लीव। अब हम जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं, जिस प्रिंसिपल है, वो सर है, मैडम है, उनको संबोधित करते हैं, तो हम हमेशा उनको रिस्पेक्टिव वे में लिखते हैं, तो लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। यहाँ तक लिखने में आपको बेटा, अगर आप इतना पार्ट लिखते हो एड्रेस और संबोधन, तो आपके 1 मार्क्स यहाँ पर कैरी होते हैं, और अगर आप सब्जेक्ट लिखते हो तो यहाँ पे अगेन 1 मार्क्स कैरी होते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कहलाता है पार्ट, ये बॉडी ऑफ एप्लीकेशन या बॉडी ऑफ लेटर कहलाता है। अब इसमें हम लिखेंगे आई बेग टू स्टेट दैट आई रिया तिवारी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ रिया तिवारी, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, यहाँ पर 12th B लिखा है, अगर 10th के बच्चे हैं तो क्या लिखेंगे, 10th सेक्शन मेंशन कर देंगे,
हैव बीन सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर सिंस यस्टरडे. मैं वायरल फीवर यानी वायरल फीवर से क्या कर रही हूँ, गुजर रही हूँ, सफर कर रही हूँ कल रात से. तो द डॉक्टर हैज एडवाइज कंप्लीट रेस्ट फॉर 4 days. अर्थात डॉक्टर ने मुझे 4 दिन की छुट्टी लेने का एडवाइज या सलाह दी है. सो आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर 4 days. हम 4 दिन तक स्कूल अटेंड नहीं कर पाएंगे. काइंडली ग्रांट मी 4 days लीव. अब यहाँ पर कॉमा लगा करके हम लिखेंगे डेट, आप डाल दीजिए फ्रॉम यहाँ पर जो डेट है वो कितनी डेट तक है, यहाँ पर हमारी डेट आ जाएगी. योर ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी रिया तिवारी. यहाँ पर क्लास जो है आपकी अगर 12th है तो 12th और अगर 10th है तो 10th. और डेट यहाँ अगेन हम मेंशन कर देंगे कि हम किस डेट पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं. तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है एप्लीकेशन का, बहुत सरल शब्दों में दी गई है. इसको आप बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें और याद करें. यहाँ पर जो लेटर ऑफ जो बॉडी रहती है इसमें 3 या 4 मार्क्स जैसे आपको मार्क्स वहां पर अलॉट होते हैं एग्जामिनेशन के वैसे मिलते हैं. और यहाँ पर नीचे के जो आप लिखते हो यूवर ओबीडियंटली संबोधन, उसके लिए भी एक 1 मार्क्स डिसाइड रहते हैं. इस प्रकार से ये 5 मार्क्स से लेकर के 6 मार्क्स तक की एप्लीकेशन इसमें रहती है. यहाँ 4 मार्क्स भी दे सकते हैं बॉडी ऑफ द लेटर में और 3 मार्क्स भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं. तो इससे आपको समझना है बहुत अच्छे से. आप अपनी स्कूल से पास आउट हो गए और आपको कहीं और एडमिशन लेना है या कुछ है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं. अर्थात आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है. तो आप किस प्रकार से एप्लीकेशन को लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं अपन. राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट. अर्थात आपको स्कूल छोड़ने के लिए एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है. अगेन हम वही एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे. यहाँ पर जो भी दिया है वहां पर आप अपन एड्रेस लिख सकते हैं. आपको अपना एड्रेस लिखना है ऊपर यहाँ पर. और नीचे से स्टार्ट करेंगे अपन, तो संबोधन आ जाएगा टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर. इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट कि हम क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आवेदन में हमेशा सब्जेक्ट लिखना बहुत आवश्यक है. क्योंकि समय की बचत की दृष्टि से जो भी हमारे नियोक्ता या अधिकारी हैं जिनके लिए आप एड्रेस कर रहे हो, वो सिर्फ सब्जेक्ट देखने से ही समझ जाते हैं कि एप्लीकेशन किस चीज के लिए है. तो सब्जेक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट लिखा हमने एप्लीकेशन फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, अर्थात स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी, इसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी हम कहते हैं. इसको ऑल्सो ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कहा जाता है. तो आप ये कंफ्यूजन में मत रहना कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन अलग होगी और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन अलग होगी, दोनों का एक ही मीन है. अब यहाँ पर संबोधन करते हैं. रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव पास्ड माय, यहाँ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन लिखा है. अगर 10th के बच्चे हैं तो क्या लिखेंगे, HSC हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2020 फ्रॉम योर स्कूल. उन्होंने कहा कि मैं आपसे बोलने की अनुमति चाहता हूँ कि मैंने अपना हाई स्कूल एग्जामिनेशन या हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 का आपकी स्कूल से पास किया है. आई विश टू स्टडी फ्यूचर फर्दर, यहाँ पर गलत प्रिंट है बच्चों, FURTHER, मैं फर्दर स्टडी करना चाहता हूँ. एज सच आई रिक्वायर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता है. अगर यहाँ पर ट्रांसफर आपको लिखकर आता है तो आप इसकी जगह लिखोगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट. काइंडली इशू द सेम एंड ओबलाइज मी, आप मुझे कृतार्थ करें और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मुझे इशू करें. योर ओबीडियंटली आपकी आज्ञाकारी रिया तिवारी, 12th B या 10th, जो भी आपकी क्लास वाइज है उसके हिसाब से आप इसको एड्रेस करेंगे. तो ये था हमारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन, या इसको आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन भी कह सकते हैं.